मित्रों यहाँ हम क्यों आए? कल तो रक्षाबंधन है, पिछले 10 दिन से वायरल से पीड़ित हूं और 102-103 के बुखार में ही मैंने सारी बैठकें की हैं। पिछले 10 दिन में जितने भी बैठके जितने भी कार्यक्रम लगाए होंगे तो इतने टेम्परेचर पे लगाने पड़े मुझे, और आज भी स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, परंतु मुझे बात तो करनी है। हम यहाँ क्यों आए? कल तो रक्षाबंधन है, हमें रक्षाबंधन बनाना चाहिए था, बहनों की नाराजगी नहीं लेनी चाहिए थी। हमारे कई वक्ताओं ने कहा कि आज संकल्प लो, आज भारतीय संविधान की रक्षा करने का संकल्प लो, उससे बड़ा रक्षाबंधन कोई नहीं होने वाला है। आज संकल्प लो अपने बच्चों का भविष्य बचाने का, उनका आरक्षण बचाने का, उससे बड़ा कोई बंधन नहीं, आरक्षण उससे बड़ा कोई रक्षाबंधन नहीं होने वाला है। हमारी बहनें भी तभी खुश होंगी जब घर में सैलरी आएगी और उसके उसका सिंधारा और उसके पहुंची और उसके सामान, उसके कपड़े लत्ते मिठाई जो भी आप पहुंचवाते हैं, जब घर में कुछ होगा तब पहुंचाओगे ना भाई। जब घर में सैलरी आएगी, हमारे बच्चे नौकरियों में जाएंगे, घर में कुछ उजाला होगा तो बहन के घर तक भी रोशनी अवश्य जाएगी। तो बहन किसी को नाराज नहीं होना है, आज संकल्प लो, एक दूसरे को राखी बांधो, धागा बांधो, संकल्प सूत्र बांधो कि जब तक इस मुल्क में भारतीय संविधान के ऊपर खतरा है हम लाठी लेके पहरा देते रहेंगे, आरक्षण के ऊपर जब तक खतरा है हम लाठी लेके पहरा देते रहेंगे। दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, हमसे ज्यादा चालाक जरूर हो सकता है। चालाक तो लोमड़ी भी होती है, परंतु लोमड़ी की जो दुर्गति होती है जंगल के अंदर आप सब जानते होंगे। चालाक लोमड़ी भी होती है, है? इसका झटक लो, उसका झटक लो, बिना करे खा लो, है सबका हक मार लो, लोमड़ी वाली चालाकी इस मुल्क से हमें खत्म करनी है। भाई तुम अपने हक पे आ जाओ, हम अपने हक पे डटे अड़े हैं और लेके रहेंगे। हमारा हक हमसे कोई छीन नहीं सकता, ये संकल्प लो, इसकी रक्षा करने का संकल्प लो, जो हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है उसको बचाने का संकल्प लो, आरक्षण को बचाने का संकल्प लो। एक कल के दिन नहीं, आज ही संकल्प लो, 6 अगस्त को ही संकल्प लो। लिया सबने संकल्प? आया ना? हाँ, बचेगा और बहुत धूमधाम से राखी बंधन मनेगा, अगला बंधन मना लेंगे। बंधन में रहना इतना ही पसंद है तो हमने भी बंधन दे दिया, और भारतीय संविधान को बचाने का रक्षा बंधन दे दिया आपको, उसकी रक्षा आपको करनी है। संकल्प लो, उसमें हमारे बेटियों की रोटी है, उनका भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारी बहनों का भविष्य है, हमारे बुजुर्गों का सम्मान है, हमारे युवाओं की नौकरियां हैं, उसको बचाने का संकल्प लो। हमने दे दिया सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा फंक्शन, सबसे बड़ा कार्यक्रम आपको दे दिया। क्या दिया? भारतीय संविधान को बचाने का और अपने आरक्षण अधिकार को बचाने का। कई लोग कहते हैं कि आरक्षण कहां जा रहा है, आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा कि आरक्षण कहां जा रहा है, साहब आरक्षण कहां जा रहा है, आरक्षण को कोई कुछ नहीं कर सकता है। मित्रों आरक्षण तो चला गया, आरक्षण नाम की जो व्यवस्था आपके लिए बनाई गई थी, SC BC इस देश के 85% लोगों के लिए बनाई गई थी, वो आरक्षण तो किस खिड़की से निकल गया, चोर लेके भाग गए, हमें पता भी नहीं लगा। हम जाग रहे थे या सो रहे थे, इस बात को तो मैं प्रमाणित नहीं करूंगा या करवाऊंगा, परंतु वो चला गया, तो फिर हम बचाने की क्या बात कर रहे हैं? अभी सवाल आता है कि हम बचाने की क्या बात कर रहे हैं, अगर चला ही गया तो भैया छीन के लाया जा सकता है। जो चला गया हमें दिखाई दे रहा है, कौन चालाक लोमड़ी छीन के ले गई है उसके हलक में से निकाल के लाना है, उसका
उसका उसका उसके पेट के अंदर की अकड़ियां चीर के निकाल के लाना है। मित्रों, इनकी चालाकियों में, इनकी इनके सोने के जाल में मत फंसना। साल 14 में और साल 17 में फंस के देख लिया। पिछले 3 साल में मोदी ने वादा किया था कि हम लाख हजारों लाख नौकरियां इस देश के बेरोजगारों को देंगे, परंतु एससीबीसी के कितने बेरोजगारों को नौकरियां मिली है भाई पिछले 3 साल में? वे हाथ खड़ा करो, किस किस को नौकरियां पिछले 3 साल में मिली है? इतने यूथ, 80% यूथ मेरी इस सभा में शामिल हुआ है। ये 80% यूथ से मैं कहना चाहता हूं, कितने युवाओं को नौकरियां पिछले 3 साल में मोदी जी ने दी है? बेरोजगार कर दिए। तो बेरोजगार कितने हुए ये पूछो। हमारे लोग कह रहे हैं साहब, नौकरियां देने की बात छोड़िए, जो नौकरियां पहले से मिल रही थी और मिल गई थी वो भी छीन ली है, 50 साल तक वो भी छीन ली है। मेरे भाई साथी, हमारे सीनियर साथी ने बताया कि बैकवर्ड के 300 लड़के आईएएस बने, ट्रेनिंग पे भी चले गए। और इस सरकार की गुंडागर्दी देखो, मोदी सरकार की, वो ट्रेनिंग से लड़के वापस भेज दिए घर को, बोले तुम क्रीमिलेयर में आते हो, तुम आईएएस नहीं बन सकते। ए मोदी की सरकार का कमाल देखो, और हमारे पिछड़े भाइयों की दुर्गति देखो इस मुल्क के अंदर। 300 लड़के, अगर उनमें से 50 लड़के भी कलेक्टर या एसएसपी बन के किन्हीं जिलों में जाते, तो निश्चित रूप से एससीबीसी के लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ नरम निगाह रखते, कुछ ना कुछ सरकार की योजनाओं को गरीब परिवारों तक पहुंचवाते, उनको सुरक्षा देते। परंतु 300 लड़कों को नौकरियों से निकाल दिया, बोल दिया कि क्रीमिनेयर 6 लाख से ऊपर इनकम है, इसलिए इनको नहीं रखा जा सकता। ट्रेनिंग पे चले गए थे, संघ लोक सेवा आयोग ने उनको चयनित कर दिया था, देश की सबसे बड़ी संस्था ने उनको चयनित कर दिया था। परंतु इस देश के शासकों की गुंडागर्दी देखो, 300 बैकवर्ड के लड़कों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, आईएएस की नौकरी से निकाल दिया। इससे बड़ा चुन और मोदी सरकार क्या हमारे समाजों के ऊपर करेगी? अल्पसंख्यक समाजों के ऊपर, साथियों, साथियों, मैं निवेदन ये कर रहा था कि मोदी सरकार ने पिछले 3 साल में एससीबीसी के 85% जनता के बेरोजगार लड़कों को सरकारी छोड़िए गैर सरकारी नौकरियां भी नहीं दी हैं, और कायाकल्प के नाम पर रेलवे का निजीकरण शुरू कर दिया गया है। 23 स्टेशनों को बेचने के टेंडर दिल्ली मुंबई कलकत्ता अहमदाबाद गांधीनगर भोपाल लखनऊ पटना आदि 23 स्टेशनों को बेचने के टेंडर निकाल दिए हैं। रेलवे का निजीकरण शुरू कर दिया है, बैंकों का निजीकरण पे तलवार लटकी हुई है। यानी जहां जहां एससीबीसी के लोगों को पैर रखने की जगह मिली थी, बैंकों ने और रेलवे ने सबसे ज्यादा रोजगार एससीबीसी के लोगों को दिए हैं। इन्हीं विभागों के पीछे मोदी सरकार हाथ धो के पड़ गई है। रेलवे और बैंकों का निजीकरण करके ये सरकार दम लेने वाली है। इनका जो प्लान है इस देश के एससीबीसी के लोगों को बर्बाद कर देने का प्लान है। ये शिडिल कास्ट के लोगों के घर में, पिछड़ी जात के लोगों के घर में खाना खाने का ड्रामा करते हैं। इनके ड्रामे में नहीं आना, इनके जाल में नहीं फंसना। इस बात पे मैं साफ पहले ही साफ कर चुका हूँ, अगर तुम्हें समरसता चाहिए इस मुल्क के अंदर,
तो समरसता शिडिल कास्ट के घर में, किसी अछूत के घर में, पिछड़े के घर में रोटी खाने से नहीं होगी।